हेलो दोस्तों, सीन एडिट मैजिक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज दोस्तों हम बात करेंगे मास्किंग ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा उसको कैसे एडोब प्रीमियर में क्रिएट करना है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस इफेक्ट को आप वेडिंग हाईलाइट में और वेडिंग टीजर में आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों पहले आपको अपना क्लिप ला करके टाइमलाइन पर रख लेना है, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो का दोस्तों आपको डबल लेयर बना लेना है, मतलब डुप्लीकेट। तो दोस्तों इसको अल्ट दबा के ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपका दोस्तों ये डुप्लीकेट बन जाएगा क्लिप। तो दोस्तों जो नीचे वाला क्लिप है इसको अभी हम साइड कर देते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों इस क्लिप पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको दोस्तों दिखेगा यहाँ पर ऐड फ्रेम होल्ड। तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, अभी दोस्तों क्या होगा आपका फ्रेम होल्ड हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, अब अपने सब्जेक्ट पर हम लोग मार्क्स करेंगे। तो दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल में, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जैसे आप जाएंगे दोस्तों आपको दिखेगा ऑफसिटी, ऑफसिटी के अंदर दिखेगा दोस्तों फ्री ड्राफ्ट बेजियर टूल। तो दोस्तों आपको फ्री ड्राफ्ट बेजियर टूल लेना है और दोस्तों अपने सब्जेक्ट पे आपको मार्क्स स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों अपने हम प्रोग्राम विंडो को 150% जूम कर लेते हैं, ओके। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, अब अपने सब्जेक्ट पे मार्क्स स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप मार्क्स करें तो बहुत अच्छे तरीके से, आप जितने बारीकी तरीके से आप मार्क्स करेंगे उतना ही प्यारा आपका इफेक्ट बनकर आएगा। तो दोस्तों इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। ये दोस्तों मेरा मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, इसका फेदर हम बंद कर देंगे और दोस्तों अपने प्रोग्राम विंडो को सेट कर देंगे, ओके। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस लेयर पे हमने मार्क्स किया, दोस्तों इस लेयर को हम लोग फिर से डुप्लीकेट बना लेंगे। अल्ट दबा के आपको ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है, ओके। दोस्तों नीचे वाला मेरा मार्क्स हो चुका है तो इसको साइड कर देंगे। दोस्तों जो ऊपर वाला हमने डुप्लीकेट बनाया है इसमें से दोस्तों हम लोग मार्क्स को रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों आप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आएंगे आपको दिखेगा मार्क्स, तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और क्लियर कर देना है, ओके। दोस्तों क्योंकि हम लोग को 5 लेयर पे मार्क्स करना है, ये पहला लेयर मेरा सब्जेक्ट था, दूसरा लेयर दोस्तों ये दीवार है, तीसरा लेयर ये ऊपर का साइड है और चौथा लेयर ये वाला राइट साइड का दीवार है, उसके बाद पांचवा ये नीचे वाला। दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, ये साइड वाले दीवार को हम लोग मार्क्स करेंगे। तो दोस्तों आपको ऑफसेटिंग के अंदर बेजियर टूल फिर से लेना है और दोस्तों उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम विंडो हम 25% पे सेट कर लेते हैं और दोस्तों मार्क स्टार्ट कर देना है आपको। इसको 150% में हम जूम कर देते हैं। अब ये वाला भी दोस्तों मेरा मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, ओके डन। इस प्रोग्राम विंडो को हम सेट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, फिर इस वाले क्लिप का दोस्तों आपको फिर से डुप्लीकेट बना लेना है। अल्ट दबा के इसको दोस्तों ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ओके डुप्लीकेट बन गया है। दोस्तों इस नीचे वाले को फिर हम साइड कर देते हैं और दोस्तों क्या करना है, इस पे से हम लोग मार्क्स रिमूव कर देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप राइट वाला दीवार हम लोग मार्क्स करेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से आपको बेजियर टूल लेना है और दोस्तों आपको मार्क्स स्टार्ट कर देना है। दोस्तों इस वाला दीवार भी हम लोग का मार्क्स हो चुका है। दोस्तों फिर इसी तरीके से एक लेयर को और डुप्लीकेट हम लोग बनाएंगे, ओके डन। इसको दोस्तों थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं, ओके। इसमें से भी दोस्तों हम लोग जो डुप्लीकेट बनाए इसमें से हम लोग मार्क्स को रिमूव कर देंगे। अब दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे,
ऊपर वाले लेयर को अब हम लोग मार्क्स करेंगे। तो आपको बेजियर टूल लेना है और फिर से आपको मार्क्स स्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों ऊपर वाला मार्क्स भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ऊपर वाला लेयर भी दोस्तों हम लोग मार्क्स कर चुके हैं। अब दोस्तों एक लेयर और बचा है नीचे वाला, तो दोस्तों आपको फिर एक डुप्लीकेट बनाना है इसका। ओके डन दोस्तों, ये इसको थोड़ा सा हम आगे आगे कर देते हैं हल्का हल्का। ओके दोस्तों इस पे से भी आपको मार्क्स रिमूव कर देना है। ओके उसके बाद दोस्तों अभी ये नीचे वाला लेयर है, इसको हम लोग मार्क्स करेंगे। फिर से आपको बेजियर टूल लेना है और दोस्तों आपको 150% जूम कर लेना है और मार्क्स स्टार्ट कर देना है। ओके दोस्तों डन, अब ये पांचों लेयर हम लोग का मार्क्स हो चुका है। इसे देख सकते हैं दोस्तों, पहला लेयर ये है, इसको बंद करते हैं। दूसरा लेयर मेरा ये है, इसको भी बंद करते हैं। तीसरा लेयर ये है दोस्तों, इसको भी बंद करते हैं। चौथा लेयर दोस्तों मेरा ये है और पांचवा लेयर दोस्तों, चौथा लेयर मेरा ये वाला है और दोस्तों पांचवा लेयर मेरा ये मेरा सब्जेक्ट वाला है। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ट्रैकिंग करेंगे, इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे। तो दोस्तों पहले जो मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाला वीडियो है, तो दोस्तों पहले इसको एकदम ऊपर की तरफ लाना है आपको। इसको सेलेक्ट करके आगे कर देते हैं इसको। ओके उसके बाद दोस्तों इसको हम सेट कर देते हैं। ओके तो दोस्तों आपको एकदम इसको टॉप पे ले जाना है। ओके डन, तो दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल में। आपको इफेक्ट कंट्रोल में दिखेगा दोस्तों मोशन, मोशन के अंदर आपको दिखेगा पोजीशन एंड स्केल। तो दोस्तों आपको पोजीशन का टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है। ओके डन, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहां दिखेगा दोस्तों ये पोजीशन का आपका नंबर। तो दोस्तों सिंपल इसको ऊपर की तरफ आपको ऐसे पुश कर देना है। ओके अब दोस्तों आपको 10 फ्रेम आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोस्तों सिंपल आपको यहाँ से इसको रिसीट कर देना है। ओके डन, ये दोस्तों मेरा एनिमेशन हो गया है। ओके अब दोस्तों जो हमने की फ्रेम लगाया है, अब इसके नीचे दोस्तों हम लोग लेफ्ट वाला दीवार रखेंगे इसके। ओके ये वाला है, तो दोस्तों इसको ले आएंगे आगे हम लोग। ओके देखेंगे मेरा की फ्रेम कहाँ तक है, यहाँ तक है। ओके उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर भी दोस्तों आपको की फ्रेम लगाना है। तो दोस्तों इसको इस क्लिप को आपको सेलेक्ट करना है और आपको दोस्तों इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आना है और आपको दिखेगा पोजीशन एंड स्केल। तो दोस्तों पोजीशन का आपको टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है। ओके अब दोस्तों उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसको लेफ्ट की तरफ इसको बाहर कर देना है फ्रेम के। दोस्तों हमने इसको बाहर कर दिया, दोस्तों आपको 10 फ्रेम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो दोस्तों आपको फिर उसी तरीके से इसको रिसेट कर देना है। ओके ओके दोस्तों ये मेरा वीडियो एनिमेशन हो गया है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग इसके नीचे वाला लेयर ला करके रखेंगे जो लेफ्ट से आता है। ओके इसको भी दोस्तों हम सेट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको टूगल एनिमेशन पोजीशन का ऑन कर देना है, उसके बाद दोस्तों इसको फ्रेम के बाहर कर देना है आपको। ओके दोस्तों फिर आपको 10 फ्रेम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों उसी तरीके से आपको इसको रिसेट कर देना है। ओके उसके बाद दोस्तों इसको ऊपर कर देते हैं और
अब दोस्तों इसके नीचे हम फिर अपना एक क्लिप लेकर आएंगे, ये वाला दोस्तों, इसके नीचे रखेंगे हम। ओके तो दोस्तों आपको पोजीशन का टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ये आपको दिखेगा यहाँ 540 मतलब 540। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सिंपल ऊपर की तरफ आपको कर देना है। ओके इसको ऐसे फ्रेम से बाहर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 10 फ्रेम फिर आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आपको इसको रिसेट कर देना है। ओके डन। उसके बाद दोस्तों इसको हम छोटा कर देते हैं। ओके अब दोस्तों मेरा आखिरी वाला ये लेयर है, इसके नीचे ला करके हम रखेंगे। दोस्तों हमेशा आप एक चीज़ ध्यान दें कि जैसे हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया है तो आपको कर्सल इसके यहाँ पे रखना है और वीडियो दोस्तों इसके आगे ही आपको रखना है, तब वो आपका परफेक्ट एनिमेट होगा वीडियो, एक नेचुरल आपको फील आएगा। अब दोस्तों नीचे वाला लेयर हम करेंगे इसको एनिमेट। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है आपको और पोजीशन का टूगल एनिमेशन ऑन कर देना है और दोस्तों इसको फ्रेम के एकदम बाहर कर देंगे। 10 फ्रेम आपको आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो दोस्तों इसको हम रिसेट कर देते हैं। ओके डन। अब ये दोस्तों मेरा पूरा फ्रेम सेट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको सारे को एक बराबर कर देंगे। ओके अब ये दोस्तों मेरा एकदम परफेक्ट। अब दोस्तों इस क्लिप को हम लोग क्या करेंगे, इसके पास एकदम अटैच कर देंगे। ओके अब दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करके नीचे ले लेते हैं। ओके दोस्तों इसके नीचे हम अपना ड्रोन वाला वीडियो रख देते हैं। इसको दोस्तों और पास कर देंगे हम। ओके डन। अब दोस्तों एक बार इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। ओके दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा इफेक्ट ये बन गया है। अगर दोस्तों इसके नीचे हम अपना साउंड इफेक्ट यूज करें तो पहला दोस्तों साउंड इफेक्ट ये है, इसको दोस्तों अपने क्लिप के नीचे आपको ला करके रखना है और अच्छे से आपको दोस्तों इसको एकदम सेट कर देना है। ओके और एक दोस्तों ये वाला यूज करते हैं। एक बार दोस्तों हम वीडियो को प्ले करते हैं साउंड इफेक्ट के साथ। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा इफेक्ट ये बन चुका है। इस तरीके से आप भी दोस्तों इस इफेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं मास्किंग के जरिए और बहुत प्यारा इफेक्ट है ये दोस्तों। आप वेडिंग हाईलाइट में, वेडिंग टीजर में आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एकदम यूनिक लेवल का आप वीडियो अपना एडिट कर सकते हैं इस इफेक्ट के जरिए। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस इफेक्ट को कितने आसानी तरीके से हम क्रिएट किए हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से टॉपिक पे भी वीडियो आएंगी। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।